आज बदायूं जाएंगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। जानकारी ये भी मिल रही है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगी और जानकारी के साथ यहाँ पर वो सरकार की तो पटेल की प्रतिमा भारतीय कुर्मी महासभा द्वारा सभी के सहयोग से लगाई गई है। जिला इकाई के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटेल ने कहा कि इसके साथ ही सरदार पटेल जयंती समारोह भी होगा जिसकी मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल है। तो देखिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आज बदायूं जाएंगी, आज बदायूं के दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी देखिए जहां पर आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बदायूं दौरा है और बदायूं में वो पहुंचेंगी और सरदार पटेल जयंती समारोह में वो शामिल होंगी और इसी को लेकर उनके दौरे को लेकर जिला इकाई के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटेल ने जानकारी दी है। कहा कि सरदार पटेल जयंती समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। तो देखिए सरदार पटेल की प्रतिमा भारतीय कुर्मी महासभा द्वारा सभी के सहयोग से लगाई गई है और इसी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। तो कल 31 अक्टूबर है और कल के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और देखिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। तो आज बदायूं के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जहां पर वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर उसी को देखते हुए उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और सरदार पटेल की प्रतिमा भारतीय कुर्मी महासभा द्वारा सभी के सहयोग से लगाई गई है और जिला इकाई के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटेल ने कहा कि इसके साथ ही सरदार पटेल जयंती समारोह भी होना है और जिसकी मुख्य अतिथि खुद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल होंगी। इसी खबर पर और अधिक जानकारी अपडेट लेंगे विजय से। विजय क्या को जानकारी आपके पास जहां पर आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंचेगी बतायूं? बिल्कुल साक्षी बता दूं जिससे किसी चुनाव और करीब आना है, लगातार सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में जो अपना दल एसपी सुप्रीमो है और जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, वो आज एक दिवसीय दौरे पर बदायूं पहुंचेंगी जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। सबसे पहले आपको बता दूं एक वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उसके बाद कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगी, उसके ठीक बाद एक सकानु ग्राम पंचायत में वो सदस्यता अभियान पार्टी के चलाएंगी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जिस तरीके से चुनाव करीब आ रहे हैं, लगातार सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और यही वजह आज है कि अनुप्रिया पटेल जो है वो बदायूं दिवसीय दौरे पर है। विजय बदायूं आज पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, ऐसे में कितने बजे उनका आगमन है? पूरा कार्यक्रम साक्षी में एक बार आपको बता दूं वो 10 बजे बरेली से चलेंगी और 10:30 बजे 11:15 बजे करीब बदायूं पहुंचेंगी। वहां वो 11:15 से 11:30 के बीच में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उसके बाद 12 बजे से और 1 बजे के बीच में पार्टी सदस्यता अभियान में वो शामिल होंगी। उसके बाद वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उसके बाद तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं भाजपा के नेताओं और अपना दल के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो पूरी तरीके से तैयारियां करेंगी। जिस तरीके से माना जा रहा है कि बदायूं की अगर हम बात करें, बदायूं के आसपास जिलों की अगर हम बात करें तो अपना दल का इतना खासा प्रभाव नहीं है, उसी को मजबूत करने के लिए भी अनुप्रिया पटेल जो है बदायूं एक दिवसीय दौरे पर आ रही है। साक्षी बहुत शुक्रिया आपका विजय तमाम जानकारी देने।